भाई रुक जाओ, तुम्हें ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई प्लीज मत रोक मुझे तू। यार तुम्हारे पास वो हर चीज है जिसका दुनिया सपने देखती है, फिर भी तुम खुश नहीं हो क्या? हाँ भाई नहीं हूँ खुश मैं। क्यों खुश नहीं हो, हर चीज है तो तुम्हारे पास। नहीं है भाई हर वो चीज जो मुझे चाहिए। क्या चाहिए? भाई वही अपना प्यार वापस। भाई ये कैसी जिद पकड़ के बैठे हो तुम, वो नहीं आएगी। अगर उसको अब तक आना हो तो वो आ जाती। तुमको 3 साल हो गए कामे हुए और उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आज तक। क्यों नहीं आना चाहती मेरे पास? आज मैं इतना सक्सेसफुल हो चुका हूँ और जिस चीज के लिए मुझे वो छोड़ के गई थी ना, आज उससे ज्यादा है मेरे पास। भाई अगर वो तेरी जिंदगी में वापस नहीं आ रही तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब कुछ खत्म हो गया है। भाई सब खत्म हो गया है, कोई वजह ही नहीं है खुशी होगी मेरे पास। सब कुछ पाकर भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नहीं है मेरे पास, तो क्या करूंगा ऐसे जीकर। निजाम भाई देख, ऐसा कोई कदम उठाने की मत सोचो, नीचे उतर जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं होगा सब कुछ ठीक यार, मरने दे मुझे। सूरतों के मुताबिक पता चला है यूट्यूब स्टार स्टंट मैन निजामुल खान ने सुसाइड करने की कोशिश की। इस हादसे में उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो चुके हैं। हम हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं और उनके दोस्त फैजान का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही फैजान आएंगे हम उनसे पूछेंगे क्या थी सुसाइड करने की वजह। लीजिए उनके बेस्ट फ्रेंड फैजान आ गए हैं, तो चलिए हम उनसे पूछते हैं निजामुल के आखिर सुसाइड करने का सच क्या था। फैजान जी, सभी दर्शक जानना चाहते हैं आखिर निजामुल के सुसाइड के पीछे क्या सच था। मुझे इस बारे में भी कोई बात नहीं करनी, प्लीज लीव मी अलोन। क्यों आप आखिर बोलना नहीं चाहते? और जब निजामुल सुसाइड कर रहे थे तब आप उनके साथ थे, तो आपने उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की और आपने उन्हें समझाया क्यों नहीं? मैंने कोशिश की थी उसे रोकने की, लेकिन जब बंदे का मन टूट जाता है ना तो उसे कुछ समझ नहीं आता। दुनिया की सारी बातें, सारा ज्ञान सब उसे पहले से पता होता है, लेकिन उस वक्त दिमाग काम नहीं करता। बड़ी मुश्किलों से कोई रिश्ता शुरू होता है और अचानक से उसका टूट जाना आदमी को अंदर से तोड़ जाता है। बहुत आसान है कह देना कि उभर जाओ, नया रास्ता तलाशो, लेकिन जिसके मन पर बीतती है ना वही जानता है उसकी पीड़ा। सर देखिए, मैं आपकी बात समझ तो रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ऊपर से इतना प्रेशर है कि अगर आपने लोन नहीं भरा तो हमें आपका घर नीलाम करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। हाँ सर प्लीज़, आप 1 महीने में कर ही लेना इंतज़ाम। फैजान कौन था ये बंदा और किस लिए आया था यहाँ पर? बैंक से था, बोल रहा था लोन भर दो वरना घर नीलाम करना पड़ेगा। तो भाई चिल्ला क्यों रहा है? चिल्लाना तो और क्या करूँ, तूने सब बर्बाद कर दिया। एक लड़की के पीछे सब कितना अच्छा चल रहा था, बस तेरी एक गलती की वजह से सब बर्बाद हो गया। फैजान भाई मुझे माफ़ कर दे यार, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, पर मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ साथ तू भी बर्बाद हो जाएगा। छोड़ यार। अच्छा भाई सुन, कल ना एक लड़की आएगी टीवी चैनल से और वो हमारी डॉक्यूमेंट्री बनाएगी और वो टीवी पे टेलीकास्ट करेगी और उसके लिए हमें वो 10 लाख रुपए भी देगी। ठीक है बनवा ले डॉक्यूमेंट्री, और मैं भी कल कहीं जाता हूँ किसी ब्रांड के पास, देखता हूँ कुछ बात बन जाए तो। यार कल तू मत जा, कल तू मेरे साथ ही रही हो। रहने दे, तूने बर्बाद तो कर दिया है, अब पुरानी बात होगी तो मुझे तेरे पे और गुस्सा आएगा। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, क्या छोड़ यार। सब रेडी है? यस मैम। सर बहुत अफसोस हुआ आपकी ऐसी कंडीशन देखकर, पूरा इंडिया जानना चाहता है कि आप इतने बड़े यूट्यूब स्टार कैसे बने। जो लोग सपना देखते हैं उसको आपने सच कर दिखाया, लेकिन सर
ऐसा क्या हुआ जो आपने अपने ही सपनों पर पानी फेर दिया? पूरा इंडिया जानना चाहता है कि आपने ऐसा क्यों किया। प्लीज सर, शुरू से बताइए। हमेशा की तरह मैं स्ट्रगल कर रहा था और मेरे साथ मेरा दोस्त फैजान भी। मैं स्टंट करता था और फैजान वीडियो बनाता था, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था यूट्यूब से। फिर भी हम लगे रहते थे कड़क धूप। क्या हुआ भाई, क्या कर रहे हो? कुछ मजा ही नहीं आ रहा, क्या हुआ? अरे तुम यहाँ कब आए? अरे जस्ट अभी आए भाई। स्टंट करने नहीं करने अब? यार देख, स्टंट मैं बाद में करूंगा, चलो हम घूमने के लिए चलते हैं। आओ। नहीं नहीं, आप स्टंट करो, हम बाद में चलेंगे घूमने। अरे नहीं नहीं, हम घूमने के लिए चल रहे हैं। आपको बोला तो मैंने कि बाद में चलेंगे हम घूमने। अरे बोल तो रहा हूँ आपसे, बाद में स्टंट कर लूंगा, अभी चल रहे हैं घूमने के लिए। अब आप ना मुझे इरिटेट मत करो, मैंने एक बारी बोल दिया ना कि अभी नहीं जाना मुझे घूमने, हम बाद में चलेंगे घूमने, अभी आप स्टंट करो, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो, क्या कर दिया मैंने? छोड़ो, चलो करते हैं स्टंट। अरे नहीं करने यार स्टंट, मुझे मुझे मैंने क्या कर दिया, मुझे तो ले चलो। इसका मतलब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे नाराज हुई और आप फैजान से नाराज होकर चले गए? हाँ, इतनी धूप में बेचारा वो पैदल ही घर गया। अच्छा सर, बाद में क्या हुआ, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को मनाया या नहीं? हाँ, मैंने मनाने की कोशिश करी उसे। आप बिलीव नहीं करोगी, मैंने उसको 78 कॉल्स करी थी। क्या? हाँ, फिर 78 कॉल्स के बाद उसकी बैक कॉल आई। हेलो यार, तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? जब मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा रही तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है? यार तुम्हें हो क्या गया एकदम से, क्यों कर रही हो तुम ऐसा, मेरी गलती क्या है? मुझे इरिटेट मत करो प्लीज। अच्छा मैं नहीं कर रहा आपको इरिटेट, कल मिल के बात करते हैं। मैं तुमसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यार प्लीज, एटलीस्ट तुम मुझसे कल मिल लो, उसके बाद चाहे मिलना या मत मिलना, प्लीज कल मिल लो। अच्छा ठीक है, कल शाम को मिलते हैं। कल तो मिलके मना ही लूंगा मैं। हाँ, और फिर जब मैं उसको मनाने के लिए गया, हर उस चीज के साथ गया जिसको वो पसंद करती थी, रोज और वाइट शर्ट। वो कहती थी कि तुम वाइट शर्ट में बहुत अच्छे लगते हो। कौन है ये? बॉयफ्रेंड है ये। मुझे पता है, मजाक कर रहे हो ना तुम? नहीं, आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। अरे यार क्या कह रहे हो तुम, ये हमारे फ्यूचर का क्या होगा जो तुमने इतने सारे प्रॉमिस किए थे? किस फ्यूचर की बात कर रहे हो आप? आपको क्या लगता है ये जो सड़कों पे स्टंट करते हुए घूमते हो उससे हमारा फ्यूचर बनेगा? नहीं, पहले अपना फ्यूचर संभालो, फिर आके हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो। जिस चीज की उम्मीद नहीं थी ना, वो हुआ मेरे साथ। टूट चुका था मैं, फिर हर उस चीज से छुटकारा पाना चाहता था जिससे मुझे उसकी याद आती थी। फिर उसके जाने के बाद सोचा कि उससे इंतकाम लूंगा। फिर हमेशा की तरह मैं चला गया स्टंट्स करने के लिए कि कुछ करके दिखाना है। We got to turn it on.
भाई ठीक हो ना? ठीक हो ना भाई? ये जो सड़कों पे स्टंट करते हुए घूमते हो, उससे हमारा फ्यूचर बनेगा। पहले अपना फ्यूचर संभालो, फिर आके हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो। भाई ठीक हो ना? हाँ, चल दोबारा से करते हैं स्टंट। पक्का ठीक हो ना? भाई देखो मैंने कितनी अच्छी अच्छी वीडियो शूट करी है, क्या बोलते हो चले अपलोड करने? चल। क्या हुआ भाई, बड़े अपसेट से लग रहे हो? सब ठीक है ना? कुछ तो हुआ है भाई, भाभी आपसे रूठी हुई है क्या? अरे भाई यार, अगर कुछ हुआ है ना तो मना लेंगे, तुम चलो। अगर वो रूठी होती ना तो मैं उसे मना लेता, मगर वो रूठी थोड़ी ना है, वो तो अब बदल गई है। आप बैग चलते हैं। वो तो चली गई थी, पर उसकी बातें दिमाग से नहीं जा रही थी। उसका वो बुरा अंदाज, उसके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। मुझे बुरा भला बोलकर अब वो खुशहाल जीती होगी, क्योंकि कहने वाले तो कहकर चले जाते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि सुनने वाले के ऊपर क्या बीतती होगी। खैर हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद मैं स्ट्रगल करने के लिए फिर चला गया। भाई वीडियोस तो बहुत अच्छी से शूट हो चुकी है, और मैं तो कहता हूँ जिन्हें अपलोड करते हैं बाकी कल देख लेंगे। चल बाकी कल शूट कर लेंगे। अरे भाई मुझे ना आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। क्या? भाई आज जब मैं सुबह आ रहा था ना, तो मैंने भाभी को किसी एक लड़के के साथ देखा था, तो वो काफ़ी बहुत प्यार से और इतने अच्छे से बात करी थी ना, मुझे कुछ नॉर्मल लगा ही नहीं। भाई सब ठीक है ना? मुझे कुछ नॉर्मल लग नहीं रहा। कोई नहीं यार, लेने दे उसको ग्यारह के प्यार का मज़ा। जब इतनी मोहब्बत करने के बाद वो मेरी नहीं हुई तो उसकी क्या होगी। एक काम कर, बैठ चल। हाँ भाई बोल। भाई अपनी वीडियो वायरल हो गई, YouTube खोल के देखो एक बार। क्या? एक काम कर, जल्दी से मिल, और वीडियोस बनाने के लिए चल रहे हैं। निजन भाई आपके स्टंट बाइक लाया हूँ, इससे करो स्टंट, फिर देखो क्या मजा आता है वीडियो में। अब देख तू स्टंट क्या स्टंट करता हूँ मैं। भाई देखो इस बार ये वीडियो की आग लगाती है। एक काम कर, चल जल्दी से अपलोड करते हैं। हाँ चलो चलो। अरे अरे बाइक तो उधर है। अरे भाई अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुई। अरे लो भाई वीडियो की अपलोड, चेक करो। निजाम भाई एक बार व्यूज देखना भाई, कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या बात है यार। क्या बात नहीं, क्या बात है भाई ये तो। एक काम कर, नई वीडियो बनाने के लिए चल रहे हैं। चलो चलो चलो। जी ये भैया कितने तगड़ा स्टैंड करते हैं ना, मैं तो इन भैया फैन हो गया फैन। फिर जब पहली वीडियो वायरल हुई ना तो थोड़ा सुकून मिला जिंदगी में कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ। फिर मैंने सोच लिया कि अब इतने अच्छे स्टंट करने हैं कि हर वीडियो वायरल हो, और जिस सक्सेस के लिए मुझे वो छोड़ के गई थी ना वो पानी है। फिर मैं चला गया
स्टंट्स करने के लिए। निजाम भाई बहुत अच्छी वीडियो शूट हुई है भाई, अब चल रहे हैं इसको अपलोड करने। चल भाई अब तो धुआं उड़ा देंगे। अरे यार क्या हो गया इस बाइक में आज, पता नहीं इसको क्या हो गया यार, इसको अभी खराब होनी थी क्या यार। अरे ये तो निजाम खान भाई है। हाँ और सेल्फी लेकर। हाँ हाँ भैया निजाम भाई, निजाम भाई अपनी वीडियो ट्रेंडिंग में आ गई भाई। क्या ट्रेंडिंग में भाई? ट्रेंडिंग में ये देखो क्या बात है यार। चलो भाई चलो जल्दी से घर चलते हैं। फैजान वीडियो अपलोड हो गई भाई? वीडियो तो अपलोड हो गई, अपने 1 लाख सब्सक्राइबर भी हो गए भाई। क्या बात है भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। वो जो फीलिंग थी ना वीडियो ट्रेंडिंग पे आने की और 1 लाख सब्सक्राइबर होने की, वो अभी तक नहीं भूल सकता मैं। वो खुशी ही अलग थी। फिर हमारे 6 महीने में 6 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन वो खुशी नहीं थी जो 1 लाख सब्सक्राइबर पे थी, क्योंकि अब सक्सेस आम सी लगने लगी थी। अरे फैजान भाई क्या कर रहा है भाई? अरे निजाम भाई देखना अपने 6 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए सिर्फ 15 वीडियो में, क्या बात है ना, मजा आ गया भाई। हेलो हेलो सर, वी आर फ्रॉम स्पैरो हेलमेट। सर हम चाहते हैं कि आप हमारा ब्रांड प्रमोशन करिए, तो आप क्या चार्जेस लेंगे ब्रांड प्रमोशन के? 15 लाख। ओके सर, फिर हम आपको अभी एडवांस ट्रांसफर कर देते हैं और जो बाकी की पेमेंट है वो शूट के बाद आपको ट्रांसफर कर दी जाएगी। एंड सर हम जो शूट वो नेक्स्ट वीक करते हैं, तो सर आप रेडी रहना। ओके निजाम भाई, हमारे 10वां ब्रांड प्रमोशन है और पैसे भी बहुत आ रहे हैं और घर भी ले लिया, तो एक बाइक भी ले लेते हैं ना। बता कौन सी ले? मैं तो हायबुसा देख रहा था। बढ़िया है, इस हफ्ते तो मैं बिजी हूँ, अगले हफ्ते मेरा शूट है। मैं तुझे पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ, तू ले आना बाइक। ओके ओके चल ठीक है, चलता हूँ मैं। समझ गए ना आप? ओके सर। चलो टीम स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। एक्शन। अरे भाई लगी तो नहीं कहीं आपको? अरे भाई ऐसे कैसे लग सकती है जब स्पैरो हेलमेट पहना है तो देखा आपने, हेलमेट है जहाँ सुरक्षा है वहाँ, ऑलवेज वियर स्पैरो हेलमेट। कट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हेलो सर, हमारी पूरी टीम को आपके साथ काम करके सर बहुत अच्छा लगा, और सर जो बाकी की पेमेंट थी हमने सर आपको ट्रांसफर कर दी, अब चेक कर लीजिए। ओके चेक करता हूँ मैं। फैजान? हाँ फैजान भाई, मैं बाइक लेके नीचे आ गया हूँ, जल्दी से आ जाओ। क्या सच में? हाँ। अभी रुक, अभी आया। कैसी लग रही है बाइक? बाइक तो बहुत बढ़िया है यार। बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया है यार। अब देखते रहोगे या चलाओगे भी? आ तू भी बैठना। अरे भाई पूरे रास्ते मैं ही तो चलाता हूँ, अब आप चलाओ। और जब मैं हायाबूसा चला रहा था तब मैं सोच रहा था कि काश वो मेरे पीछे बैठी होती। इतने में ही क्या हुआ कि पर जब वो सामने दिखी तो प्यार तो बहुत था उससे, पर गुस्सा भी बहुत था। फिर चला गया उसके पास भड़ास निकालने के लिए। ये लो। अरे निजामुल तू यहाँ? तू तो इतना बड़ा स्टार बन गया यार, एक सेल्फी तो बनती है। क्या कहा था तुमने? इन सड़कों पे स्टंट करने से हमारा फ्यूचर बनेगा? हमारा फ्यूचर तो बना नहीं, लेकिन मेरा फ्यूचर बन गया इन सड़कों से। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, वैसे अच्छे काम तो मैंने बहुत किए, बस एक ही काम गलत कर दिया तुमसे मोहब्बत करके। मन में बातें तो बहुत थी कहने के लिए, गुस्से को छोड़कर वो भी कहना चाहता था,
बस जाते जाते ये सोच रहा था कि काश बस एक बार मुझे रोक ले। जितना प्यार है अभी बयां कर दूंगा। तो सर क्या उन्होंने आपको रोका? नहीं, मैंने उसे बार बार मुड़कर देखा पर उसने मुझे एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। मैं सोच रहा था कि सब कुछ है मेरे पास, फिर भी वो क्यों नहीं है मेरे पास। तो सर इतना सब कुछ होने के बाद आपने मूव ऑन करने का नहीं सोचा? सोचा था, पर पता नहीं उसने किस अंदाज से मोहब्बत का सौदा किया था। ना किसी के लायक छोड़ा, ना कभी अपना होने दिया। अच्छा तो सर आपने सुसाइड का इसलिए सोचा था उनके वापस ना आने से? हाँ, सब कुछ था मेरे पास सुकून को छोड़कर। वो कहते हैं ना बड़े लोग कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, सुकून को छोड़कर। सच है, जिसका लोग सपना देखते हैं ना, वो सब कुछ था मेरे पास सुकून को छोड़कर। निजान भाई देखो ये आपकी डॉक्यूमेंट्री कितनी वायरल हो गई है, लोग चाह रहे हैं कि आप वापस आ जाएं। और ये देखो न्यूज़ में क्या चल रहा है, देखो देखो। निजामुल भाई प्लीज आ जाओ फिर से, और आकर फिर से वही आग लगा दो आप। निजामुल भाई प्लीज आ जाओ, तुम्हारा बेसब्री से इंतजार है, अपना टैलेंट दिखा दो। निजामुल भाई प्लीज आ जाओ ना यार, बहुत फैन आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज आ जाओ। तो निजामुल सर जैसा कि आप देख सकते हैं आपके फैंस कैसे आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो बस हमारी यही दुआ है कि आप जल्द से जल्द ठीक होकर वापस आ जाइए। ऑल द बेस्ट। निजामुल भाई देखो जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, इस बार दोबारा मौका मिला है सब कुछ पहले जैसे करने का, तो यार सब भूल जाओ ना। देखो जो चला गया उसे जाने दो, वैसे भी शायद खुदा ने उसको आपके नसीब में नहीं लिखा था, तभी आपके इतना प्यार करने के बाद भी आज वो आपके साथ नहीं। पता नहीं ये फैसला खुदा का था या साजिश थी जमाने की, मैं उससे उतना ही दूर हो गया जितनी कोशिश की उसके पास आने की। भाई तुम कुछ भी मान लो पर भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गई, जिंदगी बाकी है भाई मेरे बहुत, जो लोग तुम्हें चाहते हैं उनके लिए वापस आ जाओ। सही कहा तूने, जो हमें भूल गया उसे याद करके क्या करेंगे हम, और वैसे भी उसे याद करके तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। और वैसे भी ऑलमोस्ट मेरे पैर सही हो गए हैं, बस एक महीने का टाइम और लगेगा फिर आता हूँ वापस। तो ये खुशखबरी दे देना फैंस को। बना स्टोरी। दोस्तों दिल थाम के बैठ जाओ और बेल आइकन ऑन कर लो, आ रहा हूँ फिर से उसी अंदाज में। लव यू। हे गाइस वीडियो कैसी लगी यार कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करो शेयर करो फैला दो यार, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, ये जो बेल आइकन दिख रहा है ना दबा दो। लव यू ऑल।